नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रणवीर और इस वीडियो में मैं आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लाइफ स्किल सिखाऊंगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी लाइफ स्किल है पर्सनल फाइनेंस, खुद का पैसा कैसे बढ़ाएं। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी लाइफ की स्किल होती है जिसका फायदा उठाकर आप अपने बैंक में जो पैसे पड़े हैं ना, उसकी कीमत, उसकी रकम ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली आपको जानना चाहिए कि इस वीडियो में ना मैं बस आपको बेसिक्स सिखाने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस इन हिंदी। पर्सनल फाइनेंस का सब्जेक्ट ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर मेरा मानना यह है कि आपकी उम्र जो भी हो ना, आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में थोड़ा तो सीखना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल ना आप स्कूल में कभी नहीं सीखोगे, कॉलेज में नहीं सीखोगे, आप बस ऐसे यूट्यूब पर सीख सकते हो और बुक से सीख सकते हो। मैं मानता हूँ कि मैं आपके भाई की तरह हूँ, आपके बड़े भाई की तरह हूँ, और मेरा ये फ़र्ज है कि मैं आपको भी ये लाइफ स्किल सिखाऊँ। जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना इस वीडियो में, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही जाननी चाहिए। तो चलो, टिप नंबर वन, सेविंग्स अकाउंट इज बैड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्कूल में सीखते हैं इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। टीचर्स हमें ये सिखाती हैं कि यार, अगर आपने पैसा कमाया ना, तो वो पैसा अगर आप बैंक में रखोगे, अपने सेविंग्स अकाउंट में रखोगे, तो हर साल वो पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा, उसकी रकम ज़्यादा बढ़ जाएगी खुद से। हाँ जी, ये सच है, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि सेविंग्स अकाउंट फॉर योर लाइफ इज जस्ट द बेसिक। अगर आपने जिंदगी भर सिर्फ अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन किया ना, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ थिंग्स अराउंड यू एंड अ फॉल इन द जनरल वैल्यू ऑफ मनी। तो मैं बेसिकली ये डेफिनेशन को सिंपल करके आपको समझाता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मान लो आज आपके जेब में 10 रुपए हैं, आप वो 10 रुपए से ना एक चिप्स का पैकेट खरीद सकते हो, पर कल नहीं, चलो 10 साल बाद वो 10 रुपए की कीमत ना कम हो जाएगी, आपका वही चिप्स का पैकेट आपको 12 रुपए या 13 रुपए में खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। जैसी वर्ल्ड की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जैसी इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, सब चीज़ों की कीमत ना ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपके लिए इसका महत्व क्या है? आपके लिए इसका महत्व ये है कि जो 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में आज अपने सेव किए हैं ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो 1,00,000 रुपए की कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी। इट वॉन्ट बी एज वैल्यूएबल एज इट इज टूडे। तो आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यार, बैंक तो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड करती है ना। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा सा पैसा जमा किया है ना, तो बैंक वही पैसे को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको हर साल उसमें ऐड कर देगी। बट आपको ये भी जानना चाहिए कि वो इंटरेस्ट की ग्रोथ बहुत कम होती है कंपेयर टू योर अदर ऑप्शंस। अगर आप साल 2018 में रह रहे हो, आपके आसपास ऐसे बहुत फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपनी मनी की ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हो। मान लो कि आपका पैसा ना एक पेड़ की तरह है, अगर आपने बैंक में अपना पैसा रखा ना, तो हाँ, वो पेड़ ज़रूर बड़ा होगा, पर अगर आपने फाइनेंशियल ऑप्शंस का फ़ायदा उठाया ना, तब वही पेड़ और भी ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा इंक्रीज होगी। मान लो कि ये फाइनेंशियल ऑप्शंस बेसिकली वो पेड़ के लिए सप्लीमेंट की तरह है, फर्टिलाइजर की तरह है। जितना आप उनका फ़ायदा उठाओगे, उतना ही आपका पेड़, आपके पैसे की रकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो, वो हो गया हमारा पहला टिप, सेविंग्स अकाउंट्स आर बैड। दूसरा टिप है ये, अगर आपको वही पेड़ की ग्रोथ रेट ज़्यादा इंक्रीज करनी है, तब आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका मेन सप्लीमेंट होगा पैसिव इनकम सोर्सेस। इसका मतलब क्या है? तो चलो, मान लो कि 2 प्रकार के इनकम सोर्सेस होते हैं। इनकम सोर्स मतलब आप कहाँ से पैसे कमा रहे हो। एक होता है एक्टिव इनकम सोर्स, इसका मतलब है कि जो आप जॉब कर रहे हो ना, मान लो कि आप डॉक्टर हो या जिम में ट्रेनर हो या एक बिजनेसमैन हो, आप हर दिन अपने जॉब पर जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो अगर आप डॉक्टर हो, अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो आप ऑफिस जा रहे हो, और वहाँ खुद का टाइम स्पेंड करके आप वहाँ से पैसा कमा रहे हो। वो पैसा कमाने के लिए ना आपको वहाँ रहना है, आपको ट्रेनिंग देनी है 1 घंटे के लिए, आपको पेशेंट से मिलना है, आपको सर्जरी करनी है, आपको बिजनेस करना है। आप अपना टाइम दे रहे हो दुनिया को और दुनिया आपको पैसा दे रही है, उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम सोर्स। यू आर एक्टिव इन दैट सिचुएशन। अब बात आती है पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में। पैसिव इनकम सोर्सेज क्या होते हैं? पैसिव इनकम सोर्सेज ऐसे इनकम सोर्सेज हैं जिसका फायदा उठाकर आप घर बैठे बैठे ना पैसा कमा सकते हो। मान लो आप घर बैठे हो और खुद से पैसा बाहर से आ रहा है,
तो आपकी लाइफ की मिशन यही होनी चाहिए कि यार मुझे ना खुद के पैसिव इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने हैं, ताकि आप चिल मार के घर पे बैठ के ना पैसा कमा सकते हो। आप शहर में जितने भी अमीर लोगों को देखते हो ना, जो बड़ी गाड़ियाँ में घूमते हैं, जो वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, वो अमीर क्यों हुए हैं? वो अमीर इसलिए हुए हैं क्योंकि दे हैव मैनेज्ड देयर मनी वेल। उन्हें पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स आते हैं और मोस्टली ना उनके पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं, इसलिए उन्हें इतना टाइम मिलता है कि गाड़ी में ऐसे घूम सकते हैं, दुनिया भर घूम सकते हैं, क्योंकि दे हैव टाइम ऑन देयर हैंड। वो लोग अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, और वहाँ बैठे बैठे ना अपने पैसिव इनकम सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं। तो वो सिचुएशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की स्वतंत्रता। कैसी लगी मेरी हिंदी? तो अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, एंड हाउ यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। खुद ऐसे एक्टिव इनकम सोर्सेज के बदले पैसिव इनकम सोर्सेज आप अपनी लाइफ में कैसे जनरेट कर सकते हो। आपकी लाइफ की एम यही होनी चाहिए कि बाय योर मिड 30s, जब आप 35 साल के हो ना, तब मोस्टली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए लाइफ में। आपके पैसिव इनकम के सोर्सेज इतने ज़्यादा होने चाहिए कि आप चिल भी मार सकते हो 35 के बाद, 40 के बाद। आपको चिल मारने का एक एम रखना चाहिए लाइफ में। पर यार, जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि आपको ना अपने 20s में, जब आप 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में हो ना, तब आपको एक्टिव इनकम सोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए। आपको जॉब करना चाहिए, जॉब में सफलता पानी चाहिए, खुद से पैसा कमाना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस को ग्रो करके पैसा कमाना चाहिए। फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम इन योर 20s। एक बार आपकी इनकम आ गई, आपकी इनकम डिवाइड होती है इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस मतलब आपके महीने के खर्चे, आपके खाने का खर्चा, आपके ड्राइवर का खर्चा, जो भी चीज़ें पे आप खर्चा करते हो ना, ट्रैवल, पार्टीइंग, वो सब आते हैं आपके एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। अब बात आती है सेविंग्स के बारे में। आपके इनकम से अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद, अपने खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है ना, उसे हम कहते हैं सेविंग्स, ठीक है। और अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। वहीं सेविंग्स को लेकर, अगर आप अपनी सेविंग्स से पैसा निकाल कर कुछ ऐसे चीज़ों में अगर आप पैसा डाल दोगे ना, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स का एक ही मिशन होता है, एक ही मोटिव होता है कि वो जो पैसा आप डाल रहे हो ना, उसे आपको मल्टीप्लाई करना है, उसे आपको ज़्यादा करना है। तो ये ध्यान में रखो कि आपके एक्सपेंसेस आपको निकालने हैं, खर्चा निकाल लो अपने इनकम से, फिर बचते हैं आपके सेविंग्स। और सेविंग्स में से जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो ना वो पैसे के साथ, वो गेम वाले पैसे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। और मेरा मानना ये है कि अगर आप एज 20 से लेकर एज 30 के बीच में जी रहे हो, तब आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए मिनिमम। कम खर्चा करो, महंगे कपड़े, महंगे वेकेशंस, महंगे एक्सपेंसेस पर आपको उसमें ना पैसा नहीं डालना चाहिए। जितना हो सके अपनी सेविंग्स की रकम ज़्यादा बढ़ाओ, और वहीं सेविंग्स की बड़ी रकम के साथ ना एक इन्वेस्टमेंट वाली गेम खेलो। अगर आपने 100 रुपये में से 90 रुपीज़ बचाए, तो 80 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में डाल दो और 10 रुपीज़ सेविंग्स अकाउंट में रखो। ये मेरा मानना है। तो चलो, इतना समझ गए। अगर नहीं समझे ना, तो फिर से रिवाइंड करके ये वीडियो देखो ज़रूर, ठीक है। और एक और बात, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ज़रूर इसे लाइक दे दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल्स होते हैं। तो चलो, अब अगले टिप के बारे में बात करते हैं, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है? मान लो कि आपके जो भी परचेजेस होते हैं ना, जो भी चीज़ें आप खरीदते हो ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है लायबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है? लायबिलिटीज़ वो परचेजेस होती है जिसका वैल्यू कम होते जाता है टाइम के साथ। आपने एक बार वो चीज़ खरीद ली, आज वो 10 रुपये की है, कल वो 8 रुपये की होने वाली है। मोस्टली आपके लाइफ के जो भी परचेजेस होते हैं ना, जो भी चीज़ें आप खरीदते हो ना, वो सब लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। अभी बात आती है एसेट्स के बारे में। एसेट्स एकदम उसके ऑपोजिट होते हैं। एसेट्स होते हैं वही चीज़ें जो आप खरीदते हो ना। मान लो आपने 10 रुपये की एक एसेट खरीदी, कल वही एसेट की रकम 12 रुपये की होगी। मतलब आपने 2 रुपीज़ कमा लिए वो 10 रुपये स्पेंड करके। अब आपको ये जानना चाहिए कि आपकी जो भी अर्निंग्स होती है ना, जो भी चीज़ें आप ओन करते हो, आपको मोस्टली एसेट्स ओन करने चाहिए और आपके लायबिलिटीज़ एकदम कम होने चाहिए। जितने आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे और जितने आपकी लायबिलिटीज़ कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको, आपके फ्यूचर को। अगर आपको खुद के भविष्य का ख्याल रखना है, तब आपका फोकस होना चाहिए एसेट्स पर, नॉट ऑन लायबिलिटीज़, ऑन एसेट्स। अगर आप हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को पूछोगे ना कि मुझे कौन से एसेट्स खरीदने चाहिए,
तो वो जरूर यही कहेंगे कि आपको खरीदने चाहिए रियल एस्टेट बेटा, लैंड ले लो, फ्लैट ले लो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इज एवरीथिंग। पुरानी जनरेशन का मानना यह है कि अगर आपने एक बार प्रॉपर्टी ले ली ना, बस आपका पैसा सेफ है। पर नई जनरेशन, दुनिया भर ना लोग रियल एस्टेट में अभी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ जरूर लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, और बहुत बार ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि आप अपने पैसे के साथ ना और भी चीजें कर सकते हो। सपोज मान लो कि किसी ने आपको ट्रिक कर लिया, किसी ने आपको धोखा दिया और आपको एक इलीगल प्रॉपर्टी बेच दी या आपको एक इलीगल फ्लैट बेच दिया, तब आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ये आपने एक साथ ना 25 लाख खर्च कर लिए एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी पर, और मान लो कि वही प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तो आपके 25 लाख इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी रकम ना कहाँ जाएगी, डाउन द ड्रेन। आपको ये भी जानना चाहिए कि 2018 में आपके पास है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के पास नहीं होते थे, जैसे कि ऑन पेपर एसेट्स। एक होते हैं रियल वर्ल्ड टैंजिबल एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, एक असली चीज़, ये घर एक एसेट है मेरी फैमिली के लिए। पर ऑन पेपर एसेट्स क्या होते हैं? ऑन पेपर एसेट्स होते हैं शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, SIPs एंड अ लॉट मोर। आप ये एसेट्स खरीद के ना खुद का पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि इन एसेट्स में अपना पैसा डाल के ना एक रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। इन एसेट्स में अपना पैसा डालकर ना आप अपना पैसा मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो, पर ये सब के बारे में ना हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। अब के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको अब से अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तब आपका सोल्यूशन क्या है? आपका भाई लेके आया है एक सोल्यूशन। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्क्विरल। स्क्विरल एक बहुत ही मॉडर्न ऐप है जिसको यूज करना भी बहुत ही ईजी है। इसका यूजर इंटरफेस ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हो। इस ऐप में ना मिनिमम 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्क्विरल अलाउज यू टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर अ ट्रस्टेड ऐप। अगर आपको ये ऐप यूज करनी है तो मैंने लिंक किया ये डिस्क्रिप्शन में, और यही है आज का वीडियो। आई होप कि आपने ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ समझ नहीं आया ना, तो यार ठीक है, फिर से देख लो, मैंने एकदम ब्रेक डाउन किया है। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में और ज़्यादा जानना है ना, तो दोस्तों आपका भाई रणवीर क्यों जिंदा है आपके लिए, मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ मेरी पर्सनल फाइनेंस सीरीज़ में। और अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई वीडियो टॉपिक कवर करना है ना ये चैनल पर, तो प्लीज़ अपने सजेशन ऐसे कमेंट बॉक्स में डाल दो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, अगर ये वीडियो में मज़ा आया तो थम्स अप दे दो, और सभी फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर लो ये वीडियो, सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर मत करो। ये एक ह्यूमन लाइफ स्किल है जो बहुत सारे भारतीयों को आती नहीं, ठीक है? तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते।